ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आखिर है क्या डियर स्टूडेंट्स? तो ग्रुप डिस्कशन, जब भी कभी कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया जाता है और उस सब्जेक्ट देने के बाद उस पर कुछ सोचने विचारने के लिए भी समय दे दिया जाए एंड देन उस पर डिस्कशन करने के लिए कहा जाए, ये पर्टिकुलर डिस्कशन टाइम अलग अलग हो सकता है। हर जगह पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं। और आज के टाइम पर डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप डिस्कशन किसी भी कैंडिडेट्स के लास्ट सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाने वाला मेथड है। और ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन सामान्य तौर पर डिबेट या इंटरव्यू से बिल्कुल अलग है। तो आखिर ग्रुप डिस्कशन है क्या? जब भी कभी हम लोग किसी भी कैंडिडेट के स्किल्स या फिर उसकी पर्सनालिटी टेस्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे किसी भी कैंडिडेट का कंटेंट, बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस, उसका इंटेलिजेंस यानी उसका जो अब मानसिक अभियोक्ता है वो, अभिरुचि, साथ साथ में जो उसके आंसर देने का तरीका है, पैटर्न है, वो शिष्टाचार, राइट, कितना सॉफ्ट स्पोकन है, ग्रुप लीडरशिप उसके अंदर है कि नहीं है, टीम बिल्डिंग का अप्रोच उसके अंदर है कि नहीं है, उसके अंदर आपका कैपेसिटी है कि नहीं है, तो इन सब चीजों का हम उसमें उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो जब भी कभी ये चर्चा किसी खास स्थान पर की जाए, किसी विशेष स्थान पर की जाए और इसमें आपका जब कई लोग भाग लें, सामान्य तौर पर अलग अलग तरीके के ग्रुप डिस्कशंस में कैंडिडेट्स कहीं पर आपको 6 मिलेंगे, कहीं 8 मिलेंगे, कहीं 15 मिल जाएंगे, तो अलग अलग तरीके से आपका इस चीज के ऊपर वर्कआउट होता है। आगे बात करते हैं भाई, ग्रुप डिस्कशन में कितने स्टेप्स होते हैं? तो स्टेप्स इन ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का कहीं से भी मतलब नहीं कि आप बर्फ जाके तोड़ने लगो। सामान्य तौर पर आप नए लोगों के बीच में होते हैं और आपको वहां पर बोलना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब है पहल करना। जब ग्रुप डिस्कशन में कोई भी कैंडिडेट अपने विचारों को साझा करने के लिए डिस्कशन की पहल करता है, जब वो किसी भी परिभाषा या किसी फैक्ट, इन सब के माध्यम से किसी भी विषय पर सिस्टमेटिकली अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो ये परिचर्चा का प्रारंभ होता है और इसी को हम कह रहे हैं आइस ब्रेकिंग। नेक्स्ट होता है जीडी इन प्रोसेस। जब पहला कैंडिडेट आइस ब्रेकिंग यानी एक तरीके से परिचर्चा का प्रारंभ कर देता है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर यानी ग्रुप डिस्कशन का एक ढांचा बनने लगता है। और इससे जब वन बाई वन अब आगे सभी कैंडिडेट्स अपना पॉइंट रखते हैं और इससे पता चलता है कि कैंडिडेट्स के विचार क्या हैं, उनका ज्ञान क्या है, और यहाँ से कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट्स, उनको आपका तमाम तरीके से जो भी व्याख्या करते हैं, तमाम फिगर्स की मदद से, तमाम आकृतियों की मदद से, राइट, तो इससे पता चलता है कि उनका बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। एंड लास्ट प्रोसेस आता है इसमें कंक्लूजन, दैट लास्ट इससे भी इस कंक्लूजन। इसमें एक कैंडिडेट क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जितनी डिस्कस की गई होती है ग्रुप डिस्कशन में, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। और सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं जोड़नी चाहिए, सभी की सभी चीजें वो ही आपका शामिल करनी चाहिए जिनको पहले ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। यानी कंक्लूजन में जो भी कैंडिडेट कंक्लूजन दे रहा है, उसको किसी भी अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण उसको ऐड नहीं करना है, उसको जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लिया, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए स्टेटमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ शामिल करना। और ये बिल्कुल सटीक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, राइट, एब्रिविएटेड होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। इसको हम डिटेल्स में आगे आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन के टाइप्स। कितने टाइप के ग्रुप डिस्कशन होते हैं? सामान्य तौर पर दो टाइप के होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप डिस्कशंस, जिसमें कोई भी चर्चा का विषय निश्चित नहीं होता है, इसमें जो भी चर्चा का विषय यानी हमारा जो डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा वो कैंडिडेट्स ही अपने आप में डिसाइड करते हैं और इसमें कोई भी सब्जेक्ट डिसाइड किया जा सकता है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप डिस्कशंस में जो परिचर्चा का विषय होता है, ये जितने भी वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में लोग होते हैं, चयनकर्ता लोग होते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है और एक टाइम स्लॉट भी अलॉट किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें ऑर्गेनाइज्ड में
किस किस तरीके के ग्रुप डिस्कशंस आपको यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो वो ग्रुप डिस्कशंस, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप डिस्कशंस जो कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी तथ्यात्मक सब्जेक्ट के, तथ्यात्मक विषय के ऊपर जो आपका बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे आसपास जो तमाम तरीके की घटनाएं घट रही हैं, तमाम आपका पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल, रिलीजियस, इस तरह की कोई भी घटना या सोशल कोई घटना हो रही है, इसको यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। जैसे भारत का चीन से विवाद चल रहा, तो इसमें आपका हो सकता है परिचर्चा का विषय दे दिया जाए, क्या भारत को चीन से अपने सभी राजनीतिक संबंध समाप्त कर लेने चाहिए, या जैसे मैंने बोला क्या क्रिकेट की लोकप्रियता अन्य खेलों को प्रभावित कर रही है। तो इस तरीके के आपका सवाल यहाँ पर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे क्या आज के टाइम पर वेब सीरीज के ऊपर रोक लगा दी जानी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट आती है बात कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट यानी विवादित विषय। इन पर बहस हो सकती, पक्ष में भी हो सकती, विपक्ष में भी हो सकती है। जैसे दिल्ली में ऑड इवन योजना चली थी, तो आप इस पर कर सकते हो, क्या एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को कम करने में ऑड इवन योजना कारगर होगी, राइट? तो इस तरीके के सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप डिस्कशन में मिल सकते हैं। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, ये सामान्य तौर पर अस्पष्ट होते हैं, इनमें आपको इसका मूल अर्थ समझना पड़ेगा, तभी आप बेसिकली ग्रुप डिस्कशंस के रूट यानी तक पहुंच पाओगे, जड़ तक पहुंच पाओगे, क्योंकि जो शब्द दिए होते वैसा उनका अर्थ नहीं होता। जैसे प्रत्येक चमकती हुई वस्त्र सोना नहीं होती है, राइट? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यहां पर इसका अर्थ कुछ और है, आपको समझना होगा। एक और एग्जाम्पल है, जहां अनिच्छा वहां राह कैसे बने। तो ऐसे सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट कहलाते हैं, अमूर्त विषय कहलाते हैं, और ऐसे विषय प्रायः अस्पष्ट होते हैं और आपको समझने में इनमें दिक्कत हो सकती है, राइट? आगे आता है सिचुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी किसी परिस्थिति विशेष में आपको एक कोई समस्या रखी जाएगी, आपके सामने आएगी, और इसका समाधान आपको आपसी विचार विमर्श के द्वारा करना होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी एग्जामिनेशन सेंटर के इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए, किसी भी परीक्षा केंद्र के आप निरीक्षक नियुक्त किए गए, और परीक्षा केंद्र पर कोई ऐसा कारण रहा जिससे जितने भी आपका परीक्षा देने आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लेट हो गए, विलंब हो गए, तो भाई क्या करोगे आप? उनको आप परीक्षा भवन में प्रवेश दोगे या नहीं दोगे, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो सिचुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। अब बात आती है ग्रुप डिस्कशन के आखिर उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। पहला उद्देश्य ग्रुप डिस्कशन का होता है कैंडिडेट्स की लीडरशिप क्वालिटी को परखना, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें किस में पहल करने की क्षमता है, बाकी बैठे आपका जो कैंडिडेट्स हैं वो आपका जो कैंडिडेट आइस ब्रेकिंग का काम कर रहा है, राइट? जो लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है वो लीडरशिप क्वालिटी सबसे अहम हो जाती है। आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन आखिर क्या है। किसी भी ग्रुप डिस्कशन को अगर हम बात करें, उसके तमाम उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव में से बेसिकली क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ग्रुप डिस्कशन का होता है कैंडिडेट्स की लीडरशिप क्वालिटी को जज करना। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से परीक्षक जितने भी प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लीडरशिप क्वालिटी को देखते हैं, और ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट सबसे पहले पहल करने की यानी आइस ब्रेकिंग रखने की क्षमता रखता है, अपनी बातों से दूसरे कैंडिडेट्स को सहमत कर पाता है। दूसरी बड़ी क्वालिटी है सब्जेक्ट नॉलेज। किसी भी कैंडिडेट का सब्जेक्ट नॉलेज किस स्तर का है ये भी आपका उसके विचारों से पता चलता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एनालिटिकल स्किल यानी विश्लेषणात्मक कौशल। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू किसी भी कैंडिडेट में जो उसकी एनालिटिकल स्किल है उसका टेस्टिंग जितने भी इन्विजिलेटर होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल,
ये चौथा ऑब्जेक्टिव है किसी भी कैंडिडेट की भाषा दक्षता क्या है, संचार कौशल उसका क्या है, वो प्रॉपरली अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पा रहा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव हमारा ग्रुप डिस्कशन में रहता है। नेक्स्ट, जो आपके सुपरविजन में लोग होंगे जो आपको लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे, राइट, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर चीज को बिल्कुल सही फैक्ट के फॉर्म में ही रख रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज को कितने कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ रख रहे हैं, अपना तर्क कितने आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक रख रहे हैं, ये सबसे मेजर चीज है। अगर हम बात करें और क्या ग्रुप डिस्कशंस के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी निर्णय लेना, किसी भी समस्या का समाधान करना, आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, वो ये जानने के लिए बेसिकली आपका केस स्टडी करते रहते हैं। आपका व्यवहार कैसा है ग्रुप डिस्कशंस में, ये एक आपका और ऑब्जेक्टिव है ग्रुप डिस्कशन का। ये आप देखते हैं कि कहीं आप ग्रुप डिस्कशन के टाइम में बहुत ज्यादा उत्तेजित तो नहीं हो रहे हैं, या कहीं पर आप अपनी बातों के माध्यम से किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में आप सभी को साथ में लेके चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, तो ये सभी आपका ग्रुप डिस्कशंस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आज मैंने आपको किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस पूरी तरीके से, उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए भाई, है ना, कि भाई क्या चाहिए आखिर, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करें, इन सभी चीजों के ऊपर हम आपका वर्कआउट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपके शारीरिक हाव भाव कैसे होने चाहिए, बैठने का आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, इन सब के ऊपर आपको वीडियोज आने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को कर डालना सब्सक्राइब, और प्लेलिस्ट में आपका देखते रहना, लगातार आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।